हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। वीवर्स, एसपीयू की इस मुकम्मल सीरीज में हमने तमाम पास्ट पेपर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया है, सॉल्व किया है, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो हैं वो इस सीरीज में शामिल किए हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब और तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, यहां पर नोट कर लें कि आज की इस वीडियो में पार्ट टू में हम टोटल 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 25 एमसीक्यूज इस तरीके से आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कि आपके 125 एमसीक्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड पे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो सीरीज़ हैं ई टेस्ट प्लेटफॉर्म की वीडियोस जो हैं ये कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कायदे आज़म ने डैश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ उन तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो 99% पास्ट पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, उन तमाम में ये आपको एमसीक्यूज तकरीबन लाजमी मिलेंगे। नंबर वन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में अमल में आया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में 1913 में शमूलियत इख्तियार की। नंबर फोर, कायदे आज़म ने 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। वीवर्स, 1913 से लेकर 1920 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों जमातों के मेंबर रहे। इसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1914 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। ये जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं, इसलिए इन तमाम एमसीक्यूज को याद रखिएगा। सवाल नंबर 27, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा जो है सहराए थर है। सहराए थर का कुल रकबा 1,75,000 मुरबा किलोमीटर है। सहराए थर, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा भारत में है। सहराए थर पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में वाकिया है। सहराए थर को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। सहराए थर एशिया का तीसरा जबकि दुनिया का 20वां बड़ा सहरा है। व्यूअर्स, आप नोट करें, इस एक क्वेश्चन में हमने 5 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं जितनी भी डिटेल आपके साथ डिस्कस की है पास्ट पेपर्स में बार बार पूछी गई है। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करें, जो भी पास्ट पेपर्स उर्दू में कंडक्ट किए गए हैं, जो हमें उर्दू में मौसूल हुए हैं, उन पेपर्स को हम उर्दू में डिस्कस करेंगे, और जो एमसीक्यूज हमें इंग्लिश में मिलेंगे, जो पेपर्स हमें इंग्लिश में मिलेंगे, उन्हें हम इंग्लिश में कंडक्ट करेंगे। जैसे पास्ट पेपर्स हुए हैं वैसे ही आपके साथ इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, जिला अस्तोर का रकबा डैश मुरबा किलोमीटर है। जिला अस्तोर का कुल रकबा 8,657 मुरबा किलोमीटर है। जिला अस्तोर जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाकिया है। जिला अस्तोर में ज्यादातर शीना जुबान और उर्दू जुबान बोली जाती है। शीना ये एक जुबान है जो कि इंडिया में आर्यन जो थे, आर्याई थे, उनसे अडॉप्ट की गई थी। ये अक्सर पेपर्स में सवाल पूछा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी जुबान ज़्यादा बोली जाती है, ये शीना जुबान है। वादी अस्तोर ये भी गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में वाकिया है। इस वादी की जो कुल लंबाई है, चौड़ाई है, इसका कुल रकबा जो है वो 5,092 मुरबा किलोमीटर है। सवाल नंबर 29, गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर का क्या नाम था? गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर का नाम कमर जमान कायरा था। इसके अलावा नोट कर लें, गिलगित बल्तिस्तान के जो दूसरे गवर्नर थे वो एक खातून थी जिनका नाम बेगम शमा खालिद था। गिलगित बल्तिस्तान के तीसरे गवर्नर का नाम वजीर बेग था और चौथे गवर्नर जो थे वो पीर करम अली शाह थे। ये 3-4 गवर्नर्स हैं जिनके नाम मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इन्हें याद रखें। सवाल नंबर 30, पाकिस्तान में पहला निशाने हैदर किसको मिला? पाकिस्तान में पहला निशाने हैदर मोहम्मद सरवर शहीद को दिया गया। निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी का ताल्लुक आर्मी की यूनिट
सात बलोच से था, बल्कि ये यूनिट सात बलोच अभी भी मौजूद है। आप 27 जुलाई 1948 को शहीद हुए। आपको पहला निशाने हैदर 16 मार्च 1957 को दिया गया। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, ख़ास तौर पर जिस तरह पेपर को ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सॉल्व किया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिलती रहें। वीवर्स, इसके साथ साथ अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU की इस सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इस सीरीज़ को बजरिया डाक नोट्स की सूरत में मंगवा सकते हैं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल ई टेस्ट प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 31, पाकिस्तान का सबसे बुलंद पहाड़ कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बुलंद पहाड़ जो है वो K2 है। K2 पाकिस्तान का सबसे बुलंद, जबकि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। K2 को गॉडविन आस्टन भी कहा जाता है। K2 पहाड़ पाकिस्तान का कौमी पहाड़ भी है। K2 पहाड़ की बुलंदी 8611 मीटर है। वीवर्स, ये तमाम पॉइंट्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक मजीद MCQs को पॉइंट को नोट कर लें, जो कि इसमें लिखना हम भूल गए हैं। K2 पहाड़ जो है ये कोह कराकरम में वाकया है। बहुत से पेपर्स में पहाड़ी सिलसिला पूछा गया है, इसलिए पहाड़ी सिलसिला जो है वो कोह कराकरम है, ये भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान के किस सूबे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? पाकिस्तान के सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। सिंध को 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। वीवर्स, कुछ पेपर्स में सिंध के पुराने नाम पूछे गए हैं, तमाम पुराने नाम जो हैं वो नोट कर लें, याद कर लें। सिंध के पुराने नामों में सिंधा, संतोष, संदोस, अबिसन, अल सिंध और संतु शामिल है। संतु जो है ये चाइनीज कहते थे सिंध को, इसलिए ये तमाम नाम जो हैं पुराने नाम हैं सिंध के, याद रखें, किसी भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, करारदाद पाकिस्तान 1940 में किसने पेश की? करारदाद पाकिस्तान को 1940 में AK फजलुल हक ने पेश किया। करारदाद पाकिस्तान को करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। करारदाद पाकिस्तान को तैयार किया था, लिखा था सर जफर अली खान ने। और इसके अलावा ये जो करारदाद थी ये इंग्लिश में थी, इसे ट्रांसलेट भी सर जफर अली खान ने किया था उर्दू में। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की गई, इसीलिए हर साल 23 मार्च को हर साल योम पाकिस्तान सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान डे जो है हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पाकिस्तान डे योम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की याद को ताज़ा करने के लिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गिलगित बल्तिस्तान के कितने अजला हैं? गिलगित बल्तिस्तान के कुल अजला की तादाद 10 है। वीवर, जो 2021 के मुताबिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, गिलगित बल्तिस्तान में कुल अजला की तादाद 10 है, जिनमें 4 अजला जो हैं वो बल्तिस्तान डिवीजन में है, 4 अजला गिलगित डिवीजन में है और 2 अजला दियामीर डिवीजन में वाकया हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका किस साल किया? पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका 1998 में किया। पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका 28 मई 1998 को शाम 3:15 पर किया। ये एटमी धमाका बलूचिस्तान के ज़िला चागी में किया गया। पहले एटमी धमाके में चागी 1 नामी एटम बम इस्तेमाल किया गया। इसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल पाकिस्तान में 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। वीवर्स, ये तमाम पॉइंट जो हैं बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, इन्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाने से पहले वीवर्स नोट कर लें, हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद तमाम डाटा, तमाम वीडियोस, तमाम पास्ट पेपर्स हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर मिलेंगे। हम इस वेबसाइट पर सिर्फ पास्ट एंड करंट पेपर्स को ही अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर कोई पेपर होता है तो पेपर कंडक्ट होने के 2 घंटे के बाद हम उस पेपर को मुकम्मल हल करके
etest.com.pk वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, इसलिए इस वेबसाइट के एड्रेस को याद कर लें क्योंकि फ्यूचर में बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करेंगे तो आपको पहले दूसरे नंबर पर ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी तहरीरी इम्तिहान की तैयारी आप इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अल्फाज दिया गया है, इसे आपने जमा में तब्दील करना है। लफज है बाब, बाब का जो जमा होता है वो होता है अबवाब। क्वेश्चन नंबर 37, लफज है बसीरत, इसका जो जमा है वो होगा अबसार। क्वेश्चन नंबर 38, लफज दिया गया है योम, योम की जमा होती है अयाम। क्वेश्चन नंबर 39, लफज है यतीम, यतीम की जमा है यतीमों। क्वेश्चन नंबर 40, लफज है हमारे पास अहलकार, अहलकार की जमा होती है अहलकारों। क्वेश्चन नंबर 41, अब हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं, उन्हें हमने वाहिद में कन्वर्ट करना है। लफज हमारे पास है अबदान, अबदान जो है ये एक जमा का सीगा है, इसका जो वाहिद होगा वाहिद है बदन। क्वेश्चन नंबर 42, लफज है बरकात, बरकात जमा का सीगा है, इसका जो वाहिद होगा वाहिद है बरकत, बरकात का वाहिद बरकत होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अकीदा तौहीद का कुरान मजीद की किस सूरा में जिक्र मिलता है। वीवर्स, कुरान मजीद में सूरा इखलास में अकीदा तौहीद का जिक्र मिलता है। वैसे तो कुरान मजीद की हर सूरा में, हर आयत में हमें तौहीद का जिक्र मिलेगा, लेकिन ये जो सूरा इखलास है ये इसमें वाज़े तौर पर एक एक चीज़ जो है अकीदा तौहीद की बयान कर दी गई है। सूरा इखलास मक्की दौर में नाजिल होने वाली सूरा है। इस सूरा में कुल आयात की तादाद 4 है। सूरा इखलास कुरान मजीद की 112वीं सूरा है। क्वेश्चन नंबर 44, किस सूरा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। सूरा तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। इसके अलावा सूरा नमल ऐसी सूरा है जिसमें दो बार बिस्मिल्लाह है, एक बार शुरू में और दूसरी बार सूरा के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 45, लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने आज तक कमोबेश कितने पैगंबर भेजे। वीवर्स, लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे। इसके अलावा कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का बाय नेम, नाम के साथ जिक्र मौजूद है। अगर आप इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम देखना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में मैं वीडियो रख दूंगा। इस वीडियो में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है। पैगंबरों की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है। फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन, लैंड ऑफ प्रॉफिट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से पैगंबर फ़लस्तीन में पैदा हुए और फ़लस्तीन में ही उन्होंने वफात पाई। इसी मुनासबत से फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कितने साल की उम्र में नाजिल हुई। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो है ये 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। पहली वही में नाजिल होने वाली आयात जो थी उनकी तादाद 5 थी और ये आयात सूरा अल अलक की पहली 5 आयात थी। पहली वही गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 48, वीवर्स, SPU के 2018 के पेपर में ये दो MCQs ऐसे हैं जो इंशाइया टाइप, सब्जेक्टिव टाइप दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि सिंध तास माहदे के मुताबिक पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास कौन से दरिया हैं। तमाम के नाम लिखें। पाकिस्तान के पास सिंध तास माहदे की रूह से जो दरिया आए थे उनमें इंडस, जेहलम और चनाब शामिल हैं, और इस माहदे की रूह से इंडिया के पास दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज गए थे। इसके अलावा नोट कर लें, बहुत से पेपर में पूछा गया है कि ये माहदा कब हुआ था। सिंध तास माहदा 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया। इस माहदे में वर्ल्ड बैंक बतौर सालिस गारंटर शामिल हुआ। वीवर्स, सिंध तास माहदा, इंडस वाटर ट्रीटी, बेसन वाटर ट्रीटी या इंडस बेसन वाटर ट्रीटी, ये तीनों एक ही एग्रीमेंट के नाम हैं। बहुत से पेपर्स में सिंध तास माहदा कहा गया है और बहुत से पेपर्स में इंडस वाटर ट्रीटी कहा गया है और बहुत से पेपर्स में
इंडस बेसन वाटर ट्रीटी कहा गया है, और कैंडिडेट्स जो हैं उनके कंसेप्ट ना होने की वजह से, वोकैबुलरी ना होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा एग्रीमेंट है। नोट कर लें ये तीनों नाम जो हैं एक ही एग्रीमेंट के हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अल्लाह ताला ने कुल कितनी इल्हामी किताबें नाजिल की और किस किस नबी पर नाजिल की। अल्लाह ताला ने कुल 4 इल्हामी किताबें नाजिल की हैं जिनमें तौरात, जबूर, अंजील और कुरान मजीद शामिल है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और कुरान मजीद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, सूबा पंजाब में कुल जेलों की तादाद कितनी है। सूबा पंजाब में कुल जेलों की, कुल प्रिजंस की तादाद 40 है। पंजाब में कुल 40 जेलें हैं। इसके अलावा नोट कर ले, पेपर में किसी भी सूबे की जेल पूछी जा सकती है, उनकी तादाद पूछी जा सकती है। नोट कर लें कि पाकिस्तान में जो कुल जेलें हैं उनकी तादाद 100 है, 100, जिनमें 40 जेल पंजाब में हैं, 26 जेल जो हैं सिंध में हैं, 23 जेल केपीके में हैं, और 11 जेल जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। सूबा पंजाब में जो सख्त तरीन जेल है, जो सख्त तरीन बनाई गई है ताकि वहाँ पर ख़तरनाक कैदियों को रखा जा सके, वो ज़िला साहिवाल की जेल है। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें, कोशिश की गई है कि तमाम क्वेश्चंस को सही एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। उसके बावजूद किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ सही आंसर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SPU सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।